हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहां से शुरुआत होती है आज एक नई वीडियो की। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये भानु है जो कि एक गोलगप्पे चाट की रेडी लगाता है। और जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैं गया हुआ था अपने मामा जी के घर पे, तो वहां पे मेरी भानु से भी जान पहचान हुई और मुझे लगा कि भानु की भी एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो इसी लिए मैं भानु के साथ गया और उसकी एक वीडियो बनाई है मैंने, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और आप लोग देख सकते हो जैसे कि ये भानु कितनी मेहनत करता है, कितनी दूर से आता है रोड पे लगाने के लिए रेडी। और यहाँ पे ये मजाक कर रहा था थोड़ा सा, तो यहाँ पर पूरा इंस्टॉल करता है अपनी रेडी को, जैसे कि इसने लगा दिए। और ये झाड़ू और बाल्टी निकाल रहा है ताकि यहाँ पे थोड़ी सी सफाई करे पहले। तो देख सकते हैं अब जैसे कि सफाई चल रही है। ये भानु है जो इसने करी सफाई, और अब सफाई करने के बाद ये इसका पहला कस्टमर भी आ गया था जैसे कि, तो कस्टमर को भी अटेंड कर रहा था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और अभी ये इंस्टॉलेशन पे लगा हुआ था जैसे कि इसने धूप से बचने के लिए लगाया। और ये वायरिंग करी है ताकि इसकी जो ठेला है इसके अंदर लाइट आ जाए, जहाँ से ये कस्टमर्स के लिए एक पराठा भी रखता है साथ में, जिसको हम पंखा बोलते हैं, वो चालू हो जाए। तो जैसे कि ये अभी नहीं कि वो पे पैक कर रहा है, और इनको इन्होंने खिला भी दिए थे भानु ने गोलगप्पे, तो उनकी मर्ज़ी होगी कि अब थोड़े बहुत पैक करवा लिए जाएं, तो वो पैक करवा रहे हैं। अरे भानु लेके आया है बर्फ़, जो कि ये अपने पानी में डालता है, और इसका पानी बहुत बढ़िया था भानु का। और सजावट भी बहुत अच्छी कर रखी है पानी की जैसे कि। और ये तैयार कर रहा है स्टफिंग गोलगप्पों की, बहुत बढ़िया स्टफिंग थी गाइस, मैंने खुद ट्राई की है जैसे कि, उसी के बाद मैं कमेंट कर सकता हूँ किसी के, नहीं तो मुझे क्या पता चलता है अगर मैं टेस्ट नहीं करूँगा तो टेस्ट का हक लेगा। तो यहाँ पे आलू डाल रहा है स्टफिंग में, और मसाले हैं जैसे कि। तो यहाँ पे इसने अभी तीन आलू डाले हैं भानु ने, और स्टफिंग पहले से बनाई हुई थी जैसे कि। ये नमक मसाले और उनको मिक्स कर रहा है, करने के बाद गोलगप्पे के अंदर स्टफिंग भर के चटनी डाल के, मीठी चटनी डाल के और पानी में डबो के सर्व कर दिया। उसके बाद भानु जी लगा रहे हैं पराठे का तार इनके कस्टमर्स के लिए, ताकि उनको हवा मिलती रहे। तो जैसे आप देख रहे हो, कस्टमर्स की केयर भी करता है भानु अच्छे से, ताकि उन्हें हवा मिलती रहे, अब वो परेशान ना हो, उन्हें गर्मी ना लगे, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है। और गाइस अभी बारिश का मौसम आ गया है जैसे कि, लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैं कहीं जा भी नहीं पाता हूँ। और भानु दो तरह के पानी रखता है, खट्टा और मीठा। एक यानी कि खट्टा, जिसको हम चरचरा बोलते हैं, और दूसरा तो मीठा। गाइस ये मीठा पानी सिर्फ आपको हरियाणा के अंदर मिलेगा, बाकी कहीं मीठा पानी मैंने तो आज तक देखा नहीं है। और ये हो रही है पानी पैक, मीठा पानी पैक हो रहा है जैसे कि मैं देख रहा हूँ। तो ये भानु की रेहड़ी है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और ये मेन रोड के ऊपर लगती है बिल्कुल, जो कि भिवानी से हांसी को जाता है। और ये इसकी चटनी या पानी था, देखो पानी कितने खूबसूरत तरीके से घूम रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करूं और आपको दिखाऊं। और प्याज आलू कितने बढ़िया तरीके से रखे हुए हैं भानु, कर रहे हैं यहाँ पे तवे को साफ,
और गाइस देख सकते हो आप, बिल्कुल ताज़ा दही लेके आया था भानु तूफान से मेरे सामने डायरी से। तो अब भानु बर्फ तोड़ रहा है और इसी के अंदर रखेगा दही को। तो गाइस मैंने जैसे आपको बोला था कि बिना टेस्टिंग के मैं भी नहीं बता सकता, तो ये दही वाले गोलगप्पे जो कि मैंने ऑर्डर करे थे भानु से, तो ये मैंने टेस्ट करे, बहुत अच्छे थे गाइस। लेकिन बारिश में क्या होता है कि गोलगप्पे थोड़े से वो सीलन पकड़ जाते हैं जैसे कि, तो वहाँ पे थोड़ा सा मज़ा चरचरा हो गया था, लेकिन बहुत अच्छे स्टफिंग के साथ बहुत अच्छा मज़ा आया। ये आलू की टिक्की है जो भानु ने तैयार करी है स्टफिंग में से, और समोसे इसने बहुत अच्छे से रख दिए। और गाइस ये हमारे बीच में है, क्या नाम था भाई? भानु। हाँ भानु, ये तो गाइस ये हमारे बीच में है भानु। तो आज जैसे ही आप लोगों ने भानु जी की दिनचर्या देखी है, तो अभी हम भानु जी से पूछते हैं कि कैसे इन्होंने ये काम स्टार्ट किया था, कैसे इस लाइन में आई, ये कहाँ से इन्होंने स्टार्टअप किया, कैसे इनका ये दौर आया और कैसे इनको इस लाइन में आना पड़ा। क्योंकि एक संघर्ष करता है ये, लेकिन इनका इस लाइन में आने का क्या उद्देश्य था, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। मतलब पिताजी पिछले 20 सालों से रेडी का काम करते थे, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूटने के बाद 2017 में प्लस टू पास आउट हुए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानीखेड़ा से। कॉमर्स का स्टूडेंट था मैं, बीकॉम में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद मेरे को पता चला कि भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, अकेला पढ़ने से कैसे बात बनेगी, कुछ ना कुछ घर की स्थिति को भी तो देखना पड़ेगा। तो कॉलेज छोड़ दिया उस टाइम, दिमाग काम किया कि भाई चलो रेडी की तरफ अग्रसित हो। रेडी लगानी शुरू करी तो काफ़ी सालों से धीरे 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 काम को ऊपर की तरफ ले जाता गया, और आज मतलब इस लेवल पे है कि हाँ भाई पूरा भवानीखेड़ा गांव है जो मतलब एक वो नहीं कहते क्या नाम लिया करे, अच्छी दृष्टि से देखता हर एक इंसान, हर एक बच्चा, और गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कॉलेज के स्टूडेंट है यहाँ भवानीखेड़ा में।